आई बाबा की यूरोप यात्रा का ये तीसरा एपिसोड है। इस बार हम ऑस्ट्रिया देश देखने जा रहे हैं। हॉलस्टैट एंड साल्सबर्ग ऑस्ट्रिया की ये दो विलेजेस हम इस ट्रिप में कवर करेंगे। ऑस्ट्रिया अपने नेचर के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे बने हुए ग्रीन माउंटेन्स और उनके बीच में हुई झील्स इस समर का मेन अट्रैक्शन पकड़ा जाता है। हम इस बार एक ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। लेक के पास थोड़ा सा आराम करके हम यहाँ के कुछ सीनिक व्यू देखने के लिए केबल कार से एक पहाड़ पे आ चुके हैं। यहाँ पे मुझे मेरे बाबा ने पूछा कि क्या यूरोप में देखने के लिए ये पहाड़, ये झीलें और केबल कार यही सब होता है। मेरे हिसाब से बात बिल्कुल सही है। यूरोप की खूबसूरती, यूरोप का नेचर इन्हीं सब चीज़ों से तो है। यहाँ की ग्रीनरी जो बनती है अल्प्स के पिघलने से, समर में जब बारिश नहीं होती तब यहाँ की धूप से अल्प्स पिघलने लगते हैं और इन्हीं अल्प्स के पिघलने से उनके बने हुए पानी की वजह से यूरोप समर में भी हरा भरा रहता है। ये ग्रीनरी, ग्रीन माउंटेन्स, बीच में बनी हुई झील और यहाँ के लोग जो इन झीलों को बहुत प्यार से रखते हैं, झीलों के आसपास प्यारे प्यारे घर बनाते हैं, स्वच्छ रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं और सबसे अच्छे होस्ट बनके लोगों का स्वागत करते हैं। यहाँ की दुकानों में लोकल आइटम्स बेचे जाते हैं जो टूरिस्ट के लिए एक मेमोरी का काम करते हैं। इन्हीं से यूरोप बनता है। अब हम साल्सबर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। साल्सबर्ग हालस्टैट के मुकाबले थोड़ी बड़ी सिटी है।
हम जो देख रहे हैं वो है ताले जो लगे हुए हैं नदी की ब्रिज पे। ये ताले लगाए हैं प्यार करने वाले कपल्स ने, ताकि उनका प्यार इन तालों की तरह हमेशा जुड़ा रहे। ऐसे ही कुछ कल्चर्स इंडिया में भी है, जहाँ पे औरतें पेड़ों को धागे बांधती है।